हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप देख रहे हैं निभा स्पेशल। पाकिस्तान की सियासत एक मरतबा फिर एक ऐसे मरहले पर आन खड़ी हुई है कि जिसके बाद देखा जा रहा है और ऐवान बाकायदा मछली मंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। आज पूरा दिन यही होता रहा, लेकिन पीटीआई के हमारे दोस्त हैं, उनके लिए एक शेर के जिन्होंने बहुत सारे दोस्त गंवाए इस पूरे सिनारियो के दौरान। ये लोग भूल न जाएँ कि कोई कैद भी है, ये लोग भूल न जाएं कि कोई कैद भी है। झटकता रहता हूँ जंजीर कैद खाने में, मैं तजुर्बों में घिरा बदनसीब आदमी हूँ, मैं तजुर्बों में घिरा बदनसीब आदमी हूँ। गंवा दिए हैं कई यार आजमाने में, और जो यार आजमाने में गंवा दिए थे वो लौटे तो फिर उनके पास गए जो उनके दुश्मन थे। परवीन शाकिर साहिबा का एक शेर के, वो कहीं भी गया लोटा तो मेरे पास आया। ये लोटा को आप उस लोटे से मंसूब न कीजिएगा जो जिसका तज़किरा बारह पूरा दिन चलता रहा है। वो कहीं भी गया लोटा तो मेरे पास आया, ये अच्छी बात है मेरे हरजाई की। राजा परवेज़ अशरफ साहब कौमी असेंबली के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं, और वज़ीर आला पंजाब का चुनाव था आज, और पूरा दिन असेंबली में धींगा मुश्ती जारी रही। एक दूसरे पर वार किए गए, तशद्दुद किया गया। पहले दोस्त मोहम्मद मजारी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, उन पर तशद्दुद किया गया। उसके बाद परवेज़ इलाही जो कि कैंडिडेट भी थे आज सीएमशिप के, उन पर भी तशद्दुद किया गया, और फुटेज सामने आई कि वो खून में लथपथ भी दिखाई दिए। पीपी के रहनुमा हैं नबील गबोल साहब, वो कहते हैं कि 2018 में जैसे हमने इंतज़ार किया तो आप भी तो थोड़ा इंतज़ार कर लें। वो आप करें तो ठीक, हम करें तो करेक्टर ढीला। ये एक मतलब मशहूर ज़माना डायलॉग भी है कि आप करें तो रामलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। ये कैसे हो सकता है कि एक चीज़ एक के लिए सही और दूसरे के लिए गलत। उन्होंने कहा 2018 के जब इंतखाबात हुए थे तो हमने इंतज़ार किया जैसे कि आपको लाया गया, लेकिन हमने तहमुल का मुजाहरा किया, थोड़ा आप भी कर लें तो मेहरबानी होगी, नवाजिश होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ताहल ये फ़ैसला किया है कि कोई भी वजारत वो नहीं लेंगे, वफाकी कैबिनेट में वो शामिल नहीं होंगे। अलबत्ता स्पीकर, सदर और सेनेट चेयरमैन, ये वो अहदे हैं जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये हमें दिए जाएँ, जिसके बाद स्पीकर का जो अहदा है वो उनको नवाजा गया है। कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि मुंतखब भी हो चुके हैं। MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ताहाल ये फ़ैसला किया है कि वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं। अब तक ये फ़ैसला है कि वफाकी काबीना में जाना है या नहीं, इसका फ़ैसला पाकिस्तान यानी कि MQM पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अब तक ये फ़ैसला नहीं किया है। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को निभा स्पेशल से दीजिएगा इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।